12 दिसंबर को लखनऊ आएगी हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी। सीएम योगी ट्रॉफी को करेंगे रिसीव, तो केडी सहबाबू स्टेडियम में रखी जाएगी ट्रॉफी। लखनऊ में दूसरी बार आएगी विश्व कप ट्रॉफी, तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ में दूसरी बार विश्व कप की ट्रॉफी आएगी। इससे पहले सन 1975 में आई थी विश्व कप की ट्रॉफी, तो लूलू मॉल में आम लोग सेल्फी ले सकेंगे इसके साथ। साथ ही भारत में 13 जनवरी से हॉकी विश्व कप का आयोजन होगा, देश भर में भ्रमण पर निकलेगी ट्रॉफी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में दूसरी बार आएगी हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी। आपको बता दें कि इससे पहले सन 1975 में विश्व कप की ट्रॉफी आई थी, और आम जो लोग हैं वो इस ट्रॉफी के साथ सेल्फी भी ले सकेंगे। तो भारत में 13 जनवरी से विश्व कप का जो हॉकी मैच है वो होगा, और इसके लिए ट्रॉफी भी लखनऊ आएगी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन पे हमारे साथ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट शशांक जी जुड़ चुके हैं। शशांक जी, अगर बात करें तो लखनऊ में अब दूसरी बार विश्व कप की जो ट्रॉफी है हॉकी की होने वाली, इससे पहले अगर हम बात करें तो सन 1975 में आई थी, क्या कुछ अधिक अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 1975 में पहली बार विश्व कप ट्रॉफी आई थी, और अब 3 दशकों के बाद में ये बड़ी पहल है। और यहाँ एक तरफ क्रिकेट का जो लोगों के प्रति, जो युवाओं के प्रति रुझान है, और विश्व के में सभी खेलों के प्रति रुझान बढ़ाए जाने को लेकर के, खास तौर पर अगर बात करें हॉकी के जो प्लेयर्स है बहुत कम मिल पाते हैं, तो ये आयोजन जो हो रहा है 13 जनवरी से, ये एक बड़ा आयोजन है। भारत में हॉकी विश्व कप देश भर में भ्रमण होने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया, जिससे जो हॉकी के प्लेयर है, जो हॉकी के खिलाड़ी है, उनको और भी ज्यादा इस खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही साथ एक चीज और निकल के सामने आती है कि जिस तरह से हॉकी के युवा खिलाड़ी है, उनको हर तरीके से इसका लाभ मिलता है। जी शशांक जी, अगर बात करें तो हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स भी है, नेशनल खेल भी है, और हम देखते हैं कि जिस तरह से क्रिकेट को लोग खासा पसंद करते हैं, उसी तर्ज पर हम ये भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेलों को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री की यही पहल है कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत के प्रमुख खेल हैं उसकी तरफ आकर्षित हों और खेलों में लोगों का रुझान बढ़े। खेल और खिलाड़ी दोनों ही प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। युवा खिलाड़ियों को कैसे और भी खेलों के प्रति जागरूक किया जाए, खेल के प्रति जागरूक किया जाए, ये सरकार की मंशा है। इसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। 12 दिसंबर यानी ठीक एक दिन बाद, एक रात शेष है, और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के देश ट्रॉफी को रिसीव करेंगे। साथ ही साथ लूलू मॉल में इसको आम लोग इसके साथ सेल्फी ले पाएंगे, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि किसी खेल से पहले इस तरह की ट्रॉफी को आना और उसके साथ लोगों को सेल्फी लेना, ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ये पहली बार है। इसकी शुरुआत से कहीं ना कहीं खेल के जो खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, वो हॉकी की तरफ प्रोत्साहित होंगे और इसका लाभ आने वाले युवा खिलाड़ियों को भी मिलेगा। जी शशांक जी, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है कि जो आम जनता है वो हॉकी ट्रॉफी के साथ जो है वो सेल्फी ले पाएगी, ऐसे में कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि जो लोग हैं वो खेलों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो और लोगों का रुझान बढ़े। कहना गलत नहीं है कि जिस तरह से खेल और खिलाड़ी दोनों ही हमेशा से उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रही है, और ये जो पहल है ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को हॉकी के प्रति आकर्षित करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी जुड़े, इसकी ये पहल है। कितनी कारगर होगी आने वाला वक्त बताएगा, फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल से हॉकी प्रेमियों के दिल में खुशी होगी, हॉकी खेलने वाले लोगों के दिल में खुशी होगी, क्योंकि अमूमन जो मैच है वो तो खेले जाते हैं लेकिन हॉकी का जो मैच है वो बहुत कम होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से विश्व भ्रमण पे इस हॉकी को ले जाने की कवायद की शुरुआत कर रही है, इससे खेल से जो हॉकी खेल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रभाव ये लाभान्वित होंगे आने वाले समय में। ये कहना गलत नहीं होगा कि खेल और खिलाड़ी दोनों ही आगे बढ़ेंगे। जी शशांक जी, धन्यवाद आपको इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। आपको बता दें कि लखनऊ में दूसरी बार विश्व कप ट्रॉफी जो हॉकी की है वो आएगी। इससे पहले सन 1975 में हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी आई थी, तो लूलू मॉल में आम लोग सेल्फी भी ले सकेंगे। भारत में 13 जनवरी से हॉकी विश्व कप का आयोजन होगा।